वरना सीआरपीएफ पड़ी है देख लो, वरना बीएसएफ पड़ी है देख लो, वरना पुलिस पड़ी है देख लो, वरना फौज पड़ी है देख लो, सबके पास में हथियार क्यों है, किस लिए? सबको पता है जो प्यार की भाषा नहीं मानते ना वो डंडे की और हथियार की भाषा मानते हैं। इसलिए करना पड़ेगा ये भी काम, बहुत जरूरी है साथियों। बस अपने आप को सेफ रखते हो, जो हमारे ऊपर वार करे, आज तक तो यही होता रहा है अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन, दलित को मारा, दलित को घोड़ी पे चढ़ने से रोका, दलित को ये कर दिया, दलित को वो कर दिया, बाढ़ में गया दलित। देश के शासक है हम, मूल निवासी है हम देश के, और दलित तुम हो, स्वर्ण बनते हैं, बार बार कहता है मैं, सोना चढ़ा है इनके ऊपर, माँ के पेट से सोना चढ़वा के पैदा हुए हैं क्या ये, और हम नीच जात के लोग ये बोलते हैं ना हमें, हमें दुर्बल बोलते हैं और खुद को स्वर्ण बोलते हैं, इनके बाप हैं हम, स्वर्ण हैं हम, हमें स्वर्ण उखाड़ना है जो उखाड़ ले, कितना कितना ये लोग आतंक मचाएंगे। ये मीडिया को देखो, स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित को पीटा, आज हमें डरता, जो डरता है ना वही पिटता है, जो डरता है वही पिटता है, जिसने आवाज उठानी सीख ली वो कभी पिटने वाला नहीं है, वो कभी पिटने वाला नहीं है। आपके पास में कोई एक बार आपके पास में आकर के आपको धमकी देना, आप दब गए ना, वो आपको 20 बार धमकाएगा, आप एक बार पिट गए ना, वो आपको 20वीं बार पिटेगा, अगर FIR दर्ज करवा दिया आपने, आपने फैसला कर लिया ना, फिर वो आपको 1000 बार पिटेगा। वही SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है फैसला कर लेते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झूठे केस है, क्योंकि तहसीलदार से बनवा के एफिडेविट दे दिया जाता है कि गलती से केस दर्ज हो गया था, तो गलती हमारे समाज की भी है, समझौता कर लेते हैं भाई, गांव राम होता है, गांवों में ज्यादा होती है ये, जो पंचायती लोग हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, वे करते हैं भाई गांव राम होता है, फैसला कर लो, तो पिटेंगे नहीं तो कहां जाएंगे, पिटेंगे और फिर उसके बाद में फिर करना क्या होगा, फिर उन्हीं की थाली में जाकर उन्हीं की चिलम भरने लग जाएंगे। किस लिए? ये समाज के वे लोग इस बात को सुनेंगे साथियों, आप भी बताएंगे जो उनकी गुलामी करते हैं, बार बार मरने से अच्छा है एक बार मर जाए, मार दे या मर जाए, जिंदगी जो है सम्मान की है, बिना सम्मान के कोई जिंदगी नहीं है। जलालत की जिंदगी जीने से अच्छा है शहीद की मौत मर जाना, और वही चीज अपने दिल में हमने सोच रखी है। अनेकों अटैक हो चुके हैं, दुनिया भर के अटैक हो चुके हैं, लेकिन हम तो पीछे कभी हटे नहीं, सारा चेहरा खराब हो गया, यहां निशान पड़ा हुआ, सपना चौधरी के मामले में हमला हुआ था, अब यहां निशान पड़ गया, ये जो है फिलहाल में 28 अक्टूबर को हमला हुआ था, अब पता नहीं और कितने निशान डालेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये निशान पड़ते रहेंगे, चाहे वो चाकू का पड़े, चाहे वो गोली लग जाए, भाई मारना तो इतना आसान नहीं है, ये बात तो मुझे ही पता है, क्योंकि अंबेडकर माओवादियों को मारना इतना आसान नहीं है, अब जो है कितने ही निशान पड़ते जाए, लेकिन मुझे पता है मनुवाद की छाती पर ही निशान पड़ेंगे, ये जितना हो सके हम मनुवाद की छाती के ऊपर, दाल गलने का काम कर रहे हैं ना, वो मनुवाद की छाती पर दाल गली नहीं जा रही, वो 56 इंची छाती पर दाल गली जा रही है, ये चीज सोचो आप। तो इसलिए हमें इस क्रांति को अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये क्रांति जो है 21वीं सदी की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्रांति है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्रांति को हम सभी मिलजुल करके कामयाब बना सकते हैं।